वेलकम बैक टू आर न्यू वीडियो। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो गाइस, अब आप सोचोगे कि घर से बाहर कैसे व्लॉग शुरू हुआ, तो आज हम जा रहे हैं खेत में, अपने गांव में ना, इसलिए खेत में जा रहे और वहां पे पशु पक्षी को दाना डालेंगे और वहां पे ही हो दे, वहां से पानी निकाल के वहां पे डालेगी, किसमें मिला तो या कल कुछ तो मिलाएगी पानी डालने को। तो चलो चलते। पता है क्या गाइस, गांव में भी बहुत जन के घर है लेकिन इधर खेतों में भी बहुत जन के घर है। ये देखो पीछे, यहाँ पे खेतों में बहुत मज़ा आता है। सुबह सुबह बहुत ठंडी हवा आती, शाम को ठंडी लगती, बहुत मज़ा आता है खेतों में। पीछे वाला अपना एक खेत है और आगे एक है, तो हम आगे वाले में जाएंगे इसके। तब तक सिनेमेटिक शॉट इंजॉय करो। देखो गाइस, ये पीछे ये ट्यूबवेल है, इसमें से पानी निकलता है नीचे से। अपना वो पीछे वाला खेत है और ये दूसरों का है, और ये देसी डबल बेड, जुगाड़ी डबल बेड। देखो कैसा कैसे दिमाग लगा के बनाते हैं। और वहां पे ट्यूबवेल है, रुको आपको दिखाते। देखो गाइस, इसके नीचे से पानी आता है, अंदर बहुत सारे पाइप है और यहाँ से सप्लाई होता है खेतों में ऐसे ये पाइप से। और ये इसका बोर्ड है, चालू करना बंद करने का बोर्ड है। ये बारिश से भीग जाए इसलिए इसको कवर किया है। ये इनका खेत है और ये ट्रांसफॉर्मर, इसको कनेक्शन मिलता है। अब देखो, ये अब अलग अलग खेतों में ये पाइप जाएगा और फिर ये पानी जाएगा उधर। वो तो ट्यूबवेल वाला पानी है ना, बिल्कुल मीठा नहीं रहता, बहुत ऐसे कड़वा कड़वा रहता है, ऐसे नमक वाला पानी है, समुद्र जैसा। और देखो गाइस, हमारे गांव में ना अभी समझो ये अंदर खेत है, तो इसके बॉर्डर पे ऐसे काटे काटे लगा देगी, क्योंकि उससे ये अभी गिर गए हवा से। पहले तार लगा देते फिर ये ऐसे लगाते थे काटे का। वो भी आपने सिनेमेटिक शॉट में से एक झाड़ था ना, उसके ये काटे, ये देखो ऐसे काटे लगा देते हैं, क्योंकि अंदर ऐसे कोई भी प्राणी ना जाए और फसल को खराब ना करे। अब भी कोई फसल नहीं है, बहुत कम खेतों में, रेनी सीजन में हर एक खेत में फसल रहती, मस्त दिखता, तब भी मस्त दिखता, हरियाली हरियाली, हर साइड हरियाली। ये मसल है ना गाइस, बहुत ज्यादा तूफान आया था इसलिए सबके ऐसे बॉर्डर पे से ये उड़ के गिर गए। ये देखो, और काम पे चढ़े, अभी इसका तोड़ेंगे चढ़ के ये ऐसे तोड़ते काटों पे ऊपर चढ़ते। ये देखो, और देखो ये नील गाय, हमारे इधर ऐसे नील गाय पिकॉक बहुत है, हिंदी में इसको नील गाय बोलते हैं। देखो गाइस, इस तरफ तो एक ही है, इस साइड देखो दो है, लेकिन यहाँ से दिखेगा नहीं क्या। देखो हाँ, वो देखो एक यहाँ पे है और एक वो वहाँ पे, ये दो इधर है और ये एक इधर है। ये झूम के है, अभी कुछ भी नहीं दिख रहा, बहुत दूर है, चलना पड़ेगा क्योंकि अभी सामने से धूप आ रही। फिर वापस जाना वहाँ पे खेत में जाना तो इजी रहेगा, वापस घर पे जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये लगभग 1.5 किलोमीटर है। आगे वाला खेत 1.5 किलोमीटर है, पीछे वाला तो अपना 700-800 मीटर ही है। तो चलो चलते। अभी मैं अपने खेत में पहुँच चुका हूँ और अभी यहाँ पे ये जरा गेहूँ चलेगा और कल से बाजरी लाएंगे गेहूँ, क्योंकि कल शाम को अभी बाजरी है ना वो बहुत मिली नहीं, किधर तो भी रखी थी घर में मम्मी ने, गेहूँ मिले इसलिए आज गेहूँ ले लिए। कल से बाजरे लाऊंगा और यहाँ पे इसे उछाल दूंगा इसे मिट्टी में। और देखो ये अपने बहुत आ गई, इसके अंदर पानी है।
जाएंगे, क्योंकि अब कल भी काम आ जाएगी। और खेतों में इसे डालना सही नहीं है ना, कोई भी गाय अगर ऐसा कोई भी प्राणी आ जाता है तो खा लेगा, बीमार हो जाएगा। और आप भी ऐसा किधर भी कूड़ा कचरा डालो मत, अपने घर पे ले आओ। अगर कार है तो कार में रख लो, कि कुछ तो कैरी बैग रख लो कार में, तो ऐसे किधर भी ऐसा फेंको मत। अभी मैं नहीं फेंक रहा, घर पे लेके जाऊंगा, कल यूज करूंगा। ये पानी सप्लाई होता रही है नल है, ऊपर पानी जाता सब में। और वो उधर भैंस बांध के बैठे, अभी उनको भी खोलेंगे, इधर चरेंगे। ये घास ऐसा ग्रीन ग्रीन खाएगी अभी। ये देखो वहाँ पे वो झोपड़ा, उसके अंदर वो उनको बांध दे। ये देखो गाइस, ये भैंस गाय का गोबर से ये ऐसे बनाते, ये ऐसे, और फिर ये चूल्हे में डालते। हमारे इधर चूल्हे रहते बहुत कम, घरों में गैस है, फिर इसका ऐसे कर देते भंडार। ये भैंस के गोबर से फुल देसी लाइफस्टाइल है इधर गांव में। ये दादा दादी काम कर रहे, वीडियो भरू दांगो फेमस। ये इसमें भर के ये सर पे लेंगे, अभी इतने भारी हो, फिर इसको बकरी गाय भैंस खाएगी। ये यहाँ पे हो दे, वो देखो वो वहां से लाके यहाँ पे डाल रहे पत्र में, शेड में। फिर यहाँ से गाय भैंस खा गई, ये आ गई, भाग भाग भाग। ये वो रोहित की मम्मी काम कर रही है। बाय काकी। Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. ये इसे मटकी का ऐसे कुछ भी डब्बा काट के पेड़ में ऐसे लटका देते, इसके अंदर फिर पानी डालते। अभी इसके अंदर पानी है नहीं, ये क्योंकि दूसरों का खेत है ना, फिर वो अपने खेत का खुद ही पानी डालेंगे। ऐसे कुछ भी खेत में डाल देते, तो इसलिए आपको भी बोलता हूँ पानी डाल दिया करो। अभी ये देखो, ये इधर भी ऐसा हो रखा है मटका, अभी इसमें पानी नहीं डाले हैं, लेकिन डाल देंगे आके। और ऐसे कुछ भी रख दो ऐसे, मतलब अभी ऐसे बाल्टी, और ये यहाँ पे कुआ, ये देखो कुआ, ये कुआ। अभी इसके ऊपर नहीं जाएंगे, अंदर चले जाएंगे, नहीं तो वो आपको पट्टी बोल रहा था वही है, ये छोटा ही है। लेकिन ये देखो गाय, अभी इसमें ना गाय भैंस पानी पीने का ही है, अब भी ये सूखा हुआ है। ये यहाँ पे नल, इसमें से पानी आता, रुको दिखाता हूँ। ये फुल रहता पहले पानी का, फिर यहाँ से ये नल है, फिर ये नल में से इधर आता है, इसमें यहाँ पे पानी पी, तब भी ये खाली है। लेकिन ऐसे कई थोड़ी थोड़ी दूरों पे बनाया है, क्योंकि कोई भी ऐसे गाय भैंस रहती उनको ऐसे पानी मिल जाएगा। इसलिए सामने से ऊंट आ रहा है। हमारे गांव में पहले सबके घर में, लगभग सबके घर में ऊंट थे, अभी सबने ट्रैक्टर ले लिया, अभी ऊंट बहुत कम देखने को मिलते हमको भी। ये गाइस हम घर पे आ गए, ये अपना घर है, इधर बाइक, ये अपना घर, इस घर को कलर नहीं हुआ। अभी मौसम बारिश आने का हो रहा है, ये देखो मौसम पूरा कैसा हो गया, थोड़ी थोड़ी छींटे भी गिर रही पानी की, अभी बारिश आएगी लगता है थोड़ी देर में। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, मिलते किसी और नई वीडियो में, तब तक ले बाय।